हे गाइस, वेलकम टू माय दादी टेरेस गार्डन चैनल। फ्रेंड्स, हम आज की वीडियो में आपके साथ शेयर करने वाले हैं कि बरसात के सब्जियों के लिए पॉटिंग मिक्स कैसे रेडी करें। फ्रेंड्स, हमने पहले से रेडी कर चुके हैं, लेकिन आपको समझाने के लिए आज हम थोड़ा सा करेंगे। और अगर आपको ये पूरी वीडियो कि बरसात के मौसम के लिए पॉटिंग मिक्स कैसे रेडी करें, अगर आपको पूरी जानकारी चाहिए तो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा। एंड अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगे तो लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा। तो चलिए फ्रेंड्स, हम स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। नमस्कार दोस्तों, आप सबका स्वागत है हमारे टेरिस गार्डन में। आज हम आपको बताएंगे कि बरसात की सब्जियों के लिए कैसे मिट्टी तैयार करें। वैसे दोस्तों, हमने मिट्टी पहले ही तैयार कर ली है, गमले भर लिए हैं और वीडियो नहीं बना पाए थे। जिस टाइम हम गमले भरने शुरू किए उस टाइम बहुत ज़ोर की बारिश आ गई और हवाएं चलने लगी, तो भीगने के वजह से जैसे भीग गए थे और बारिश काफ़ी तगड़ी अचानक शुरू हो गई, इसलिए हम वीडियो नहीं बना पाए थे। बाकी हम 10-12 जून को ही सारे अपने गमले, बोरी, कट्टे सब भर लिए थे और उसमें वीडियो नहीं बना पाए बारिश की वजह से। आज थोड़ा से हम आप सबको बना के दिखाते हैं और आगे वो गमले भी दिखा देंगे जो बना के रखे हैं आप सबको, तो देखते रहिए आप सब कैसे करते हैं। दोस्तों, ये हम खाद लाए थे, ये देखिए, ये 50 किलो कट्टा हम लेके आए थे खाद, बर्मी कंपोस्ट, और बाकी यूज कर लिए हैं, इतनी बची है दोस्तों, बाकी सब गमलों में डाल दिए हैं, ये बची है और आप सबको दिखाते हैं। अब देखिए ये दोस्तों, इस मिट्टी को पहले हमने 2 दिन खूब सुखाया है फैला के, अब जैसे इकट्ठा कर लिया है बनाने के लिए, खूब सुखा दिए हैं बढ़िया से। ये 2 गमले 3 गमले मेरे छोटे छोटे खाली हुए हैं, अब पहले नहीं खाली थे, अब खाली हुए हैं, कि हमने सोचा आप सबको बता दें कि कैसे करें। और बरसात की सब्जियों के लिए 10-15 जून को ही तैयारी करके रख लेना, तो मिट्टी जो है सही से तैयार हो जाती है। सारी खाद वाद डाल के जैसे तैयार कर लेते हैं ना, 15-12 जून तक तो मिट्टी तैयार हो जाती है अच्छे से, तो हमने रख लिए हैं। ये 2 गमले 3 गमले हमारे छोटे खाली नहीं थे उसका आप दिखा रहे हैं। ये देखिए दोस्तों, ये बर्मी कंपोस्ट डाल लिए और अभी और डालेंगे। और ये दोस्तों, ये राख है, जैसे सर्दियों में लकड़ी जलाते हैं ना तो उसकी राख रख लेते हैं, तो थोड़ी सी ये भी डाल दे रहे हैं हम, ये जो है ये भी थोड़ी सी डाल देंगे, तो ये भी हमारे मिट्टी के लिए, पौधों के लिए बहुत अच्छा रहता है। और दोस्तों, ये हल्दी है थोड़ी सी, इसको भी हम डाल लेंगे, तो जैसे कीड़े मकोड़े चींटियाँ उटियाँ आती हैं तो उनके लिए मदद मिलती है, सही रहता है गमलों में। ये हल्दी भी डाल दीजिए थोड़ी सी दोस्तों। और ये चूना है, हमने जो है पान वालों से जैसे मिल जाता है, और अगर ज़्यादा जैसे लेना है तब हार्डवेयर की दुकान पे मिल जाता है, उसको पानी में भिगो के धर दें 1-2 दिन के लिए, सही हो जाता है। ये थैली मिलती है 2-2 रुपए की, तो हमने पैकेट ले लिए थे पूरा, तो थोड़ा सा चूना भी डाल देते हैं, कैल्शियम का काम करेगा दोस्तों। ये देखिए थोड़ा सा ये भी डाल दिए हैं। और दोस्तों, सरसों की खली और नीम की खली, नीम की खली भी ये देखिए थोड़ी सी ये भी डाल दें 1-2 मुट्ठी, तो ये भी जो है कीड़ों के लिए सही रहती है। और दोस्तों, सरसों की खली भी मिलाते हैं, आगे हमने जो गमले बनाए हैं सब में मिला लिए हैं, लेकिन इसमें नहीं डाल पा रहे हैं क्योंकि लाइट नहीं है, लाइट चली गई है तो वो उसका पाउडर नहीं बना पाए हैं, इसलिए उसको नहीं डाल रहे हैं, बाद में गमलों में वैसे ऊपर से मिला के जैसे मिट्टी में मिला देंगे, और अभी नहीं डाल पा रहे हैं, लाइट नहीं है, चली गई है, थोड़ा आज भी जैसे हवा बादल हो रहे हैं तो लाइट नहीं है। और मिला के फिर दिखाते हैं दोस्तों भर के। और ये देखिए, ये जैसे सुराख रहे अच्छे से, और ये सुराख करके इस पर लगा दें खपड़ा, जैसे गमलों टूटन का या घरों का ये रहता है, ये खपड़ा लगा करके दोस्तों ऐसे, और ये नारियल का छिलका या हमारे बगीचे से जैसे निकलता है सूखा कटन वो रख दो, या कपड़े की जो थैलियाँ आती हैं कपड़े वाली थैलियाँ वो भी फाड़ के लगा सकते हो। तो अभी मिला के भर के तब दिखाते हैं दोस्तों।
दोस्तों ये लाइट आ गई है तो नीम सरसों की खली हमने पीस लिया है। ये देखिए ये सरसों की खली भी डाल दे रहे हैं थोड़ी सी, और बाकी तो सामान डाल चुके हैं। इससे हमारी मिट्टी सही रहेगी और पौधों को ग्रोथ भी सही होगा। अब मिला लेते हैं। अब ये गमला हम भर रहे हैं, भर के आप सबको दिखाते हैं। इसके बाद जो गमले पहले हमने कर लिए थे 12 जून को, उसको भी जो है खूब अच्छे से दबा के ऐसे भरें, उसको भी दिखाते हैं। इसको भरने के बाद हम उसको भी दिखाएंगे। इस और ये भर लेते हैं पहले अच्छे से, खूब बढ़िया सी मिट्टी हो गई।